अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। एक भाई ने कंप्लेन किया कि यार आप शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, फुल वीडियो बनाओ। और आज इंशाल्लाह उसके लिए स्पेशल फुल वीडियो है 804S का, ठीक है। अभी हम लोग रूट भी करेंगे इसको, ठीक है, और IMEI भी चेंज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले BL फाइल रखना है और EP की जगह पे आपने जो पैच किया है रूट फाइल ना मैजिक टूल में, तो आपने वो फाइल रखना है। और उसके बाद जो है नॉर्मल जैसी भी है CAC, तो हम लोगों को इसको फ्लैश करना है, ठीक है, इस फाइल पे। तो ये मोबाइल रूट हो जाएगा मुकम्मल, ठीक है। इंशाल्लाह फ्लैश हो जाए तो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्लैशिंग कंप्लीट होता जा रहा है, और फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाए, फ़ोन बूट हो जाए, उसके बाद क्या करना है रूट के साथ वो भी मैं आपको बता दूंगा। बिल्कुल इसी तरीका है, आसान तरीका है, ठीक है। इसका रूट का मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया भी है एक वीडियो में, अभी ये दूसरा इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि यार हमें समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। ये फ़ोन फ्लैश हो गया मैजिक पैच रूट से, ठीक है, ये पैच फाइल से हो गया। और इसका एक और तरीका भी है, ठीक है, आप इससे वही दो फाइल निकाल सकते हैं जो हमें ज़रूरत है, लेकिन बेहतर ये है कि ये फुल फ्लैश कर लो, ठीक है। आपने इसे ये वेब मैप हो गया और बूट इमेज हो गया ये निकालना है, और इसी पे फ्लैश कर लो तो भी रूट हो जाता है। और अगर आप फुल AP फाइल से करते हैं तो कोई मसला नहीं, इसे बेहतर होगा, ये बेहतर रूट कर लेता है, ठीक है, मुकम्मल। तो अभी फोन बूट होने तक इंतज़ार करेंगे, बूट हो जाए। इसमें इंस्टॉल करना है, ठीक है, मैजिस्ट लेटेस्ट वर्जन जो है वो इंस्टॉल करना है इसमें, और आपका मोबाइल तब रूट होगा वरना रूट नहीं होगा, ठीक है। मैजिस्ट का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर लो इसमें, और अभी हम लोग मैजिस्ट इंस्टॉल करके ही ये एक बार आपने मोबाइल को, यानी कि मैं भी ऑन करूंगा, एनी लिंक को ऑन कर लूंगा, तो आपको मैं बता दूंगा कि किस तरह रूट होता है, ठीक है। मैं जिसके इंस्टॉल करना है अभी मैजिक से इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। इसको इंस्टॉल करना है और वाईफाई भी साथ साथ में कनेक्ट करना है, ठीक है। वाईफाई कनेक्ट करना रूट के बाद ज़रूरी है। ओपन कर लो, अलाउ करना है, अभी रिस्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। आपने जाना है
क्या सेलेक्ट किया और आपने डायरेक्ट ये देख सकते हैं इधर रूट हो जाएगा और इसके बाद हम लोग मोबाइल को रिस्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये रहा, रिबूट करेंगे, रिबूट हो जाएगा तो आपका मोबाइल सक्सेसफुल बूट हो गया। ठीक है, और अभी इंतज़ार करेंगे बूट होने तक, फोन ऑन हो जाए, फिर उसके बाद हम IMEI का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये एक भाई ने बताया कि यार फुल वीडियो बनाओ, तो फुल वीडियो तो यही है, शॉर्ट में भी वही बात ही किया है और फुल वीडियो में भी यही है। रूट सबसे पहले आपने वही 0447 मोबाइल है, ठीक है, 0447F यानी 04S सबसे पहले अनलॉक करना है बुटलोडर को, उसके बाद रूट करना है जैसे मैंने कर लिया, उसके बाद IMEI चेंज करना है। ठीक है, अभी फोन को चेक करेंगे कि रूट हो गया या नहीं हो गया। रूट चेकर से भी कर सकते हैं और मैजिक स्क्रू से भी आपको पता चल जाता है कि ये रूट हो गया या नहीं हुआ। ठीक है, अभी सेटिंग पे जाएंगे हम लोग, सेटिंग पे नीचे आएंगे तो हम लोग ना ग्रैंड पे करना है। ठीक है, ग्रैंड ये कर लिया, आपका फोन सक्सेस रूट हो गया। ठीक है, जैसे कि अभी चेंबीरा स्टार्ट होगा तो आपका रूट हो डायरेक्टली रूट हो जाएगा आपका मोबाइल, और अभी ऑलरेडी मोबाइल रूटेड है। ठीक है, अभी जेमीरा खोलेंगे और इसका IMEI चेंज करेंगे। अलाउ करना है, डीबी अलाउ करने के बाद आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर लें, और ये टाइम लेगा क्योंकि पहली वीडियो में भी मैंने ऑलरेडी बताया कि टाइम बहुत ज़्यादा लेता है IMEI चेंज करने में, लेकिन इस बार तो प्लीज़ कोशिश करना, शेयर करते रहना। ठीक है, तो अभी इंतज़ार करेंगे इसके लिए क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा।
भी स्टार्ट होगा और एडीबी मोड पे तब ये स्टार्ट होगा जब एडीबी कंप्यूटर से डिटेक्ट हो जाए। ठीक है, अभी रिस्टार्ट हो गया। आपने तकबर किया इसलिए आ रहे हो। वीडियो स्टॉप हो गया, ये वीडियो बना रहे हैं। ये रहा ईमेल सक्सेस हो गया। ठीक है, ईमेल सक्सेस हो गया। अभी फोन ऑन होने तक हम लोग इंतजार करेंगे, उसके बाद पैच करेंगे।
नहीं लंबी वीडियो मुझे भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मेरा कोशिश होता है जितना शॉर्ट हो। लेकिन एक भाई ने बताया कि कोई मसला नहीं है, फुल वीडियो बना लें मेरे लिए स्पेशल, उसके लिए ठीक है। नहीं, मैं रिपेयर हो गया, अभी हम लोग पैच करेंगे ठीक है। पैच सर्टिफिकेट ये भी टाइम लेगा। ट्राई करें लेटेस्ट पैच होने में भी थोड़ा टाइम लेता है और एमआई रिपेयर होने में भी थोड़ा टाइम लेता है, तो उसके लिए प्लीज़ वेट करना पड़ेगा।
फोन रिस्टार्ट होगा, इसके बाद ओके करके फोन आपका रिस्टार्ट हो जाएगा, तब ये रिव्यू मोड पे आएगा। ठीक है, ये रहा आपका फोन स्टार्ट हो गया और डन हो गया। ठीक है, अब हम लोगों ने इसके IDB से चेक करना है कि स्टार है 00001 है, इससे IMEI स्टेटस ओके है या नहीं। फोन बूट होने तक इंतजार करेंगे। ये सक्सेसफुल हो गया। अभी आपने चेक करना कैसा है, इसको स्टार है 0 स्टार हैश लगाना है। ठीक है, स्टार है 0 स्टार हैश लगाना है और चेक करना है इसको, इसका IMEI सर्टिफिकेट पास्ट है या नहीं है। देख सकते हैं नेटवर्क भी आ रहा है, स्टार है 00001 हैश, तो IMEI सर्टिफिकेट देख के देख सकते हैं ये पास्ट है, यानी कि IMEI स्टेटस ओके। ठीक है जनाब आला, स्पेशल उस दोस्त के लिए था जिसने कहा कि फुल वीडियो बनाओ, और फुल वीडियो मैंने बना लिया, लेकिन देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा।